हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, रीजनिंग के एक नया एपिसोड में आपका स्वागत है और ये फ्रेंड्स प्रैक्टिस नंबर 7 है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल है, गौर कीजिएगा, डी ई एफ, ई एफ डी, एफ जी एच। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग की जगह पे क्या होगा, चाहे तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक सकते हैं, उसके बाद आपको अगर आता है तो फिर आंसर को मैच कर सकते हैं। अब देखिए, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, तो एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, ई है, एफ है, जी है, तो आगे क्या होगा, एच होगा, यानी कि जी एच। अब यहाँ पर देखिए कौन सा मिल रहा है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे अगला सवाल है, ए है, जेड है, बी है, सी है, वाई है, डी है, ई है, एक्स है, एफ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ए के बाद सी हो गया, यानी कि एक लेटर का गैप है, ध्यान दीजिएगा। सी के बाद ई हो गया, एक लेटर का गैप है, यानी डी का गैप है। ई के बाद एफ गैप करके जी कर देंगे, ठीक है, जी कर देंगे। अब इधर देखिए, बी के बाद डी हो गया, डी के बाद एफ, तो अब क्या आएगा, एच होगा, यानी कि पहले जी और लास्ट में एच। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल यहां पे दिख रहा है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है कि ई जी यू ओ आर। अब देखिए यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे थोड़ा गौर कीजिएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, आर ओ यू जी एच, यानी कि रफ। वर्ड मीनिंग है दोस्तों, इंग्लिश का एक वर्ड है रफ। अब रफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असभ्य या रूखा, ठीक है, असभ्य या रूखा। अब ये जब उल्टा कीजिएगा तो ये स्मूथ हो जाएगा, एस एम डबल ओ टी एच, यानी कि चिकना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब रूखा हो गया ना, इसका मतलब चिकना हो गया, यानी कि ये इसके विपरीत है। अब देखिए, ये जो लिखा है आर ई डी एन ई टी, इसको भी उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपको टेंडर, टी एन डी आर। तो टेंडर का मतलब होता है कोमल, मुलायम, ठीक है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, ये टेंडर का मतलब होता है। तो इसी तरह का इसमें हम खोजेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपको ये राइट हो जाएगा, क्योंकि ये टफ है, टी ओ यू जी एच। टफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मुलायम, ठीक है, टेंडर का मतलब, और टफ का मतलब कठोर होता है, ठीक है, इसका मतलब कठोर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला यहाँ पे दोस्तों 7 है 24 से क्वेश्चन टैग पूछ रहा है क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, 7 में अगर आप गुणे 3 कर देते हैं और प्लस 3 कर देते हैं तो कितना आएगा, 24 आएगा ना। 7 गुणे 3 बराबर 21, और 21 में 3 जोड़ दीजिए, 24 हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसमें गुणे 3 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो 93 होगा, यहाँ पे 100 दिया, ये नहीं होगा। अब इसमें गुणे 3 करेंगे तो 69 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों मैच कर रहा है। अब इस 23 को यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 72 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 24 3 भी अगर दिया हुआ है तो आगे दोस्तों ये 72 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गुणे 3 प्लस 3 हो गया, और इसी तरह से 23 में गुणे 3 प्लस 3 किया गया तो 72 आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है दोस्तों, 12 लिखा है, 140 लिखा है, 156। अब क्वेश्चन टैग की जगह क्या होगा, अब थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ठीक है। अब 12 में अगर आप 13 से गुणा कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, 12 में 13 से गुणा कीजिएगा तो 156 आएगा, ठीक है, मैं गुणा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 36 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 6 5 1 156 आ गया ना 13 गुणा करने पर। अब 140 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 140 में 13 से गुणा कीजिएगा दोस्तों तो 182 1820 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी गुणे 13 करके 156 आया गया, तो 140 में जब सेम हमने गुणा किया तो 1820 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में दिया है। सो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर लिखा है 64 4 क्वेश्चन टैग, उसके बाद 9 लिखा है। अब देखिए, इसको आप क्यू कर दीजिए, तो 4 क्यू कितना होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी कि 16 16 64 64 आ गया ना। अब 9 को क्यू करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 गुणे 9 बराबर 81 81 9 729, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहां पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला यहां पे लिखा है महाराष्ट्र भारत टेक्सास, ठीक है। तो ये दोस्तों जो महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, ये भारत का एक राज्य है, ठीक है। तो इसी तरह से जो टेक्सास है, ये यूएसए का एक राज्य है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, यूएसए का एक राज्य है कौन, टेक्सास, जिस तरह से भारत का राज्य महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, मतली लिखा है, उबकाई लिखा है, जलना लिखा है। अब देखिए, मतली और उबकाई का मतलब क्या आता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, वोमिटिंग होना, ठीक है, आपका मुंह जैसे वोमिटिंग जैसा आपको होता है तो वो उबकाई बोला जाता है या मतली बोला जाता है। अब जलना, अब देखिए जलना का जो सेम है वो झुलसना होगा, ये सेनोनेम है, आपको समानार्थक शब्द है जिसका अर्थ एक ही जैसा निकलता हो, तो जलना का भी आपको झुलसना जो है ये मैच कर रहा है, ये समानार्थक है। अब यहाँ पे ताज़ा समझदार गीला नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला देखिए, हृदय है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो हृदय से जुड़े कोई रोग होते हैं दोस्तों तो वो कौन चेकअप करता है, ये जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो चेक करते हैं, क्योंकि देखिए हृदय रोग से संबंधित बीमारियों को ठीक करने के लिए कार्डियोलॉजी की जरूरत पड़ती है,
उसी तरह से जो ब्रिक है, ब्रिक का मतलब क्या होता है, ब्रिक का मतलब होता है किडनी, इसी को किडनी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसी को गुर्दा भी बोला जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि लीवर को गुर्दा बोला जाता है, दोस्तों ऐसा भ्रम में मत रहिएगा, लीवर को यकृत बोला जाता है, ठीक है, और ब्रिक को किडनी और गुर्दा बोला जाता है। तो ब्रिक के अध्ययन, मान लीजिए ब्रिक से संबंधित कोई बीमारियां होती है तो उसको समझ लें कि आपको नेफ्रोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी किडनी से संबंधित रोगों की जांच करते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब अगला सवाल देखिए, यहां पे अगला लिखा है पढ़ना सुनना लिखना बोलना। अब देखिए यहां पे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, बोलने के बाद पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पहले दो होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, चार होगा, उसके बाद क्या होगा, एक होगा और तीन होगा, दो चार एक तीन, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, फिर बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, तब लिखते हैं। तो आप चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा प्रौढ़ता लिखा है, शैशव लिखा है, बचपन लिखा है, किशोरावस्था। अब इसको दोस्तों आपको एक सार्थक क्रम में आपको रखना है। तो पहले क्या आता है, शैशव अवस्था, मतलब कि जो बचपन का होता है समय, चार पाँच साल के उम्र के भीतर का पीरियड का, उसको शैशव अवस्था बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बचपन होता है, ठीक, उसके बाद बचपन आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, किशोरावस्था, यानी कि आपका 16 साल की उम्र का जो होता है एज, वो आपका किशोरावस्था कहलाता है। फिर क्या होता है, प्रौढ़ता होता है जो कि 25 साल के ऊपर का है। तो ये दोस्तों पहले शैशव अवस्था, यानी कि जो जन्म लेने के बाद का अवस्था होता है दोस्तों, वो शैशव अवस्था होता है। फिर आपका 6-7 साल का जो होता है समय, 7 साल 8 साल 9 साल, वो बचपन कहलाता है। तो यानी कि 2 3 4 1, तो 2 3 4 1, यानी कि आपका कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों 12वां है, इसको सार्थक क्रम में दर्शाना है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले गाय आएगी, ठीक है, गाय आएगी तो दोस्तों फिर दूध देगी, तो दूध देगी तो क्या बनेगा, उसके बाद दही बनेगा, तो उसके बाद क्या होगा, उससे दही से छाछ बनाया जाएगा, ठीक है, और छाछ बनेगा तो फिर उस छाछ से मक्खन बनाया जाता है, ठीक, छाछ से मक्खन बनेगा, उसके बाद घी बनता है। डायरेक्ट घी नहीं बनता दोस्तों, पहले मक्खन निकाला जाता है, उसके बाद घी बनता है। तो क्या हुआ, ये 4 आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा आपको 2 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, तो 4 2 1 3 6, 4 2 1 3 6, यहाँ पे आपका 4 2 1 3 6, हाँ यहाँ पे 4 2 1 3 6 दिख रहा है ना, और उसके बाद 5, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों है आपका 13वां सवाल, यहाँ पे लगे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द। अब देखिए बोल रहा है कि विषम बताइए कौन सा होगा, तो एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे देखिए BCDG GIJL, तो G और I के बीच में एक लेटर का गैप है, यानी H का गैप है, और JL के बीच में एक लेटर का गैप है, यानी K का गैप है, ठीक है, लेकिन BC के बीच में दोस्तों कोई लेटर का गैप नहीं है, और इसमें भी 2 लेटर का गैप है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यहाँ पे, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक लेटर का आपको गैप नहीं दिया गया है, और यहाँ पे 2 लेटर का गैप दिया गया है EF, ठीक है, जबकि सब में एक एक लेटर का गैप है, UW में भी एक है, XZ में भी एक है। अब चलिए बढ़ते हैं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अब 15वें सवाल में भी दोस्तों यही चीज़ पूछ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे जो विषम दोस्तों है वो चूज करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ए ऑप्शन में यहाँ पे ई दिया गया, ठीक है, और ई क्या है, भॉयल है, और यहाँ पे किसी भी दोस्तों देख सकते हैं, किसी भी ऑप्शन में आपको भॉयल देखने को नहीं मिलेगा, केवल ई एक भॉयल है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका पूरा का पूरा क्या होगा, ये विषम होगा, क्योंकि ई भॉयल है। अब इसी तरह से कुछ ऊपर वाले सवाल में दोस्तों था, लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंट होकर के बी दिया गया था, ए लिखा गया है। तो इस हिसाब से अगर आपका ए छोड़ करके या कोई भॉयल छोड़ कर कोई भी यहाँ पे लेटर होता है तो आपका यही हो जाएगा, क्योंकि सारे इसके सारे में आपको देख सकते हैं कि कॉन्सनेंट दिया गया, ठीक है, केवल इसी में भोयल दिया गया है। अब अगला सवाल चलिए देखते हैं, 16वां सवाल। 16वां दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 16-25 लिखा है यहाँ पे, 36-49, 64-81 और 50-25। अब देखिए 16 जो लिखा है ये 4 स्क्वायर होगा ना, 25 क्या होगा, 5 स्क्वायर, ये 36 से 6 स्क्वायर होगा, और ये होगा 7 स्क्वायर, ये भी आपका हो जाएगा 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 50 जो देख रहे हैं ये किसी का भी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल 512 दिया है, 625, 1296, 2401, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं 1296, ये 36 स्क्वायर है, ठीक है, ये 36 स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको 2401 जो है ये 49 स्क्वायर है, ये 49 स्क्वायर कीजिएगा, जैसे 49 स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों 2401 आता है, ठीक। अब यहाँ पे जो 512 करिए 25 का है, 25 स्क्वायर बराबर 625, लेकिन ये दोस्तों ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि 23 में 23 से गुणा कीजिएगा तो 529 आएगा, ठीक है, तो 512 किसी का भी नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल, यहाँ पे पोलैंड लिखा है, कोरिया लिखा है, स्पेन लिखा है, ग्रीस लिखा है। अब पूछ रहा है इसमें से विषम कौन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोस्तों जो विषम होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, क्योंकि कोरिया जो है दोस्तों ये एशियाई कंट्री है, ठीक है, ये एशियाई कंट्री है, ये पूर्व एशिया में पड़ता है, पूर्वी एशिया में, ठीक है,
और ये जो है आपको सारे के सारे यूरोपीय कंट्री है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है ये, यूरोपीय देश इसको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे पोलैंड, अगर पूछ दे आपसे कि पोलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो क्या बताइएगा आप? तो पोलैंड की राजधानी वर्सा होता है, ठीक है, WRASAW, ये पोलैंड की राजधानी है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीस की राजधानी एथेंस पड़ता है। और कोरिया की, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल है। तो यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे एक्चुअली आपको यूरोपीय देश है, जबकि आपका जो कोरिया है ये पड़ जाता है पूर्वी एशिया में, ठीक है। और भारत भी दोस्तों हमारा एशिया में पड़ता है, आपको दक्षिणी एशिया में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको एशिया में पड़ता है, बाकी सब यूरोप में पड़ते हैं, यूरोपीय कंट्री है। तो यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे ध्रुव तारा, नाइकी, क्रक्स और फिनिक्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो बीसम होगा वो ध्रुव तारा हो जाएगा, क्योंकि ये तारा है, ठीक है। और ये सारे के सारे कंपनी के नाम है, नाइकी हो गया, फिनिक्स हो गया, क्रक्स हो गया, ये सारे कंपनी के नाम है, जबकि एक तारे का नाम है, तो ये बीसम हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला है कि गिरगिट है, मगरमच्छ है, एलिगेटर है, टिड्डी है, इसमें से कौन सा बीसम है? सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका टिड्डी है वो आपका दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि टिड्डी जो है दोस्तों ये आता है कीट, आपको कीट वर्ग में आता है, ठीक है, आता है, जबकि मगरमच्छ हो गया, गिरगिट हो गया, एलिगेटर हो गया, ये सब रेप्टाइल समूह हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे सरीसृप वर्ग में आते हैं, जबकि टिड्डी जो है वो कीट वर्ग में आता है। अगला सवाल है कि इस श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, 30, 27, 26, 36, 45, 72। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे 3-0 दिया है, ठीक है, 7-2 दिया है, 6-3 दिया है, तो 3-6 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9 आता है, 4-5-9, 7-2-9, 2-7-9, जबकि 3 जोड़ जोड़ने पे केवल 3 ही होगा। ये दोनों लेटर को आप जोड़िएगा तो 9 आएगा ना, 3-6 जोड़िएगा 9 आएगा ना, 45 जोड़े 9, 72 9, ये जोड़ने पे 9 आएगा? नहीं आएगा, 3 आएगा केवल। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको गलत संख्या है। अब चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला यहाँ पे कि निर्देश में दिए गए एक पद लुप्त है, ठीक है, 68, 81, 96, क्वेश्चन टैग 132। अब आपको बताना है कि दोस्तों ये जो लुप्त है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, 8, 3, 11, यहाँ पे अगर आप 13 जोड़ देते हैं, 8, 3, 11 के खांसी लेख और 11, तो 13 जोड़ते हैं तो 81 आएगा। अब इसमें आपको 5, 1, 6, तो 15 जोड़िएगा 81 में, तो 5, 1, 6, 8, 1, 9, तो 96 आएगा। यानी कि यहाँ पे 13 जुटा है, यहाँ पे 15 जुटा है, ठीक है, और यहाँ पे 17 जोड़ना पड़ेगा, तो 96 में 17 जुड़ेगा कितना होगा? 6, 6, 12, 13, 3 हासिल एक, 9, 10, 1, 11। यानी कि यहाँ पे 100 आपका कितना 13 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे 13 जोड़ा गया है, यहाँ पे 15 जोड़ा गया है और यहाँ पे 17 जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 113 हो गया, ठीक है। अब इसमें 19 जोड़ दीजिए, 9, 3, 12, 2 हासिल एक, 1, 2, 1, 3, 1, 132, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे लिखा है 121, 253, 2, 374, 495, क्वेश्चन टैग दिया है, पूछ रहा आपसे क्या होगा। सो फ्रेंड्स ये सवाल जो है ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके लोगों से भी पूछ सकते हैं कि लास्ट वाले सवाल का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा आप भी प्रैक्टिस कीजिए और इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स सभी का बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद, जय भारत।